टैकलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जब अब ऑपेस एसीओ के बात करोगे उस टाइम पे। सो बैकलिंक बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक ब्रांड न्यू ब्लॉग को प्रमोट करने का। सो दोस्तों, बैकलिंक बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्री तरीका, जो कि 5 ऐसा वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे आप अपना ब्लॉग आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हो एंड अपना वेबसाइट का बैकलिंक बना सकते हो। देखो, यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी बैकलिंक बनता है, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 5 ऐसा वेबसाइट के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पे आप अपना आर्टिकल को शेयर कर सकते हो एंड वहाँ से डू फॉलो बैकलिंक अपना वेबसाइट के लिए ले सकते हो। बहुत ही हाई क्वालिटी का बैकलिंक रहेगा एंड जो साइट होगा बहुत ही हाई DAPA वाला साइट होगा एंड बिल्कुल अब फ्री में अपना ब्लॉग को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हो एंड उस साइट से अपना वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकते हो। सो चलिए नंबर 5th वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। सो नंबर 5th वेबसाइट जो है उसका DA एंड PA पहले देख लो। सो यहां पे देख सकते हो 68 DA है एंड PA जो है 57 PA है एंड स्पैम स्कोर देख लो, मात्र 1% स्पैम स्कोर है। अब जो डोमेन है उसका एज देख लो, 23 years 27 days इसका एज है। सो काफी तगड़ा एक वेबसाइट है। जैसे कि मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, सो देख सकते हो ये जो वेबसाइट है इसका जो सिमिलर वेब पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मेन जो ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट से ही आता है। 49.43% ट्रैफिक यहाँ पे आता है। यहाँ पे आपको अकाउंट बना लेना है एंड वहाँ पे आपको पोस्ट करते रहना है अपना आर्टिकल को। इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो वीडियो पे जरूर कॉमेंट करके बताना। अब नेक्स्ट साइट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास जो नेक्स्ट साइट है, नंबर 4th पोजीशन पे मैं इस साइट को रखा। इसका DA जो है 80 है एंड PA जो है 71 है एंड काफी तगड़ा साइट है। इसका डोमेन एज देखो, 27 years and 218 days ओल्ड है, तो काफी तगड़ा एक वेबसाइट है। सो वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हो वेबसाइट का नाम है infogram.com। सो इस वेबसाइट में आके आपको एक सिंपली एक अकाउंट बना लेना है गेट स्टार्ट पे क्लिक करके। उसके बाद आपको इस वेबसाइट में आर्टिकल पोस्ट करते रहना है एंड आर्टिकल के अंदर अपना ब्लॉग पोस्ट को इंक्लूड करते रहना है एंड लिंक को डालते रहना है। थोड़ा क्लेवरली आपको इस वेबसाइट के साथ काम करना होगा, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। नेक्स्ट साइट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में जो साइट आता है reddit.com। इस साइट के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ही। इसका जो DA है देख लो, 92 है DA एंड PA देख लो 91 है एंड इसका स्पैम स्कोर भी देख लो 1% है। 18 years 154 days ओल्ड साइट है। Reddit जो है काफी तगड़ा एक वेबसाइट है एंड यहाँ पे आप अपना बैकलिंक बना सकते हो। यहाँ पे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा काम करता हूँ एंड यहाँ से आपको US ट्रैफिक भी मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, सिमी कैटेगरी जो रैंक है इसका 12th है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से मैक्सिमम ट्रैफिक आता है। 48.05% जो ट्रैफिक है यूनाइटेड स्टेट से आता है। तो अगर यहाँ से कुछ न कुछ ट्रैफिक अगर अपने साइट पे आप ड्राइव करते हो तो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप समझ सकते हो। सो रेडिट बहुत ही पावरफुल एक साइट है, तो आप जरूर इसको ट्राई करना। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊँ तो बना के बता दूंगा। यहाँ पे बेसिकली आप लोग गलती यही करते हो, रेडिट पे प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद तुरंत आप लोग क्या करते हो, अपना वेबसाइट का लिंक्स वगैरह डालते रहते हो, जिसके वजह से क्या होता है कि रेडिट
रेडिट पे आपका अकाउंट क्या होगा, सस्पेंड हो जाता है या तो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो उससे बचना है रेडिट में, थोड़ा कुछ दिन 2-3 महीना आपको नॉर्मल वर्क करना है एंड उसके बाद ही लिंक डालना है। जैसे कि आप जानते हो, अभी मैं कुछ भी लिंक डाल दूं इस अकाउंट पे, ये जनरली मुझे ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहा हूँ एंड इसमें से मुझे ट्रैफिक मिलता है। आप लोग भी काम करके रेडिट से ट्रैफिक अपना साइट में ड्राइव कर सकते हो। नेक्स्ट साइट की तरफ गाइस बढ़ते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट जो साइट है उसका नाम है medium.com, जिसका डीए पीए मैं दिखा देता हूँ। 95 डीए है एंड पीए है 84। यहाँ पे स्पैम स्कोर जो है 1% एंड 25 इयर्स 127 डेज ओल्ड साइट है। तो मीडियम एक काफ़ी बढ़िया एंड तगड़ा वेबसाइट है, जहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट करके अपने वेबसाइट के लिए बैक लिंक ले सकते हो। सो मीडियम पे भी सेम तरीके से काम करना होगा। रेगुलरली आपको कंटेंट पोस्ट करना है, ज़्यादा आपको लिंक नहीं देना है इनिशियल डेज में। इनिशियल डेज में अगर ज़्यादा लिंक आप देते हो मीडियम को, तो क्या करता है, आपके बैन कर देगा। सो बेसिकली आपको मीडियम पे नॉर्मल वर्क करना है, उसके बाद जब आपका अकाउंट पुराना हो जाएगा उसके बाद ही जो लिंक है आप शेयर करते रहना। तो इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे जिस वेबसाइट का नाम आता है उसका नाम है quora.com। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। सो Quora का DAPA दिखाने का कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसके बारे में हर एक ब्लॉगर को पता होना चाहिए। अगर आप न्यू हो, अगर आप ओल्ड ब्लॉगिंग फील्ड से हो, तो भी आपको Quora के बारे में पता होगा ही होगा। एंड Quora एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप मिलियंस ऑफ ट्रैफिक अपने साइट में डिराइव कर सकते हो। बेसिकली आपको Quora जो है यहां पे क्वेश्चन आंसर करना होता है। सो यहां पे देख सकते हो आस्क करके लिखा है, इस पे क्लिक करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे आंसर भी कर सकते हो, रेलिवेंट आंसर कर सकते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। Quora में मैं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए काम किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द बेस्ट पॉप अप एंड पॉप अंडर एड नेटवर्क। इस क्वेश्चन का मैं जस्ट आंसर किया था एंड देखो आंसर कितना छोटा था, मगर इसमें देखो कितना व्यूज आया है और यहां से मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिला था। सो बेसिकली अगर आप रेगुलरली Quora पे काम करते हो तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड आपके साइट में अच्छा खासा ट्रैफिक यहां से भी आप ड्राइव कर सकते हो एंड यहां पे भी आप डू फॉलो बैकलिंक बना सकते हो कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि ये 5 साइट आपके वेबसाइट का इनिशियल बैकलिंक बिल्ड करने में हेल्प करेगा, मगर आपके जो आर्टिकल क्वालिटी है उसको आपको इम्प्रूव करना होगा, तभी आपके वेबसाइट में यूजर आके रुकेगा, बाउंस रेट भी कम होगा एंड तभी आपका वेबसाइट गूगल सर्च इंजिन में अच्छा परफॉर्म करेगा। सो आर्टिकल को थोड़ा इंगेजिंग बनाना भी जरूरी है। सो ये जो 5 वेबसाइट है, अगर आप चाहते हो हर एक वेबसाइट का डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊं तो कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड इसके अलावा भी बहुत सारा साइट है जहाँ पे आप डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक बना सकते हो। सो अब अगर आप लोग चाहते हो कि उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूं, जरूर कमेंट करके बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।